चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फ्रिक्शन ऑफ द एयर कॉजेस वर्टिकल रिटार्डेशन इक्वल टू 1/10 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डिक्रीज बाय। क्या कह रहा है? फ्रिक्शन ऑफ एयर, एयर का फ्रिक्शन जो है वो वर्टिकल रिटार्डेशन क्रिएट कर रहा है 1/10 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के कंपेयर में। जैसे दो सिचुएशन है, जैसे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, ये ऐसे जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है, ठीक है। तो पहला केस, केस वन कर लेते हैं इसको, ठीक है। दूसरे केस में जब ये थ्रो किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, केस नंबर टू में, तो क्या हो रहा है? एयर का फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर जी तो लग ही रहा है, साथ में 1/10 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एयर का लग रहा है वर्टिकली। ध्यान से देखना, वर्टिकली, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट वर्टिकली अगर देखा जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, ठीक है, वो नीचे की तरफ रिटार्डेशन लगेगा, तो एक और रिटार्डेशन कितना, जी इंटू 1/10 भी नीचे लग रहा है। इस क्वेश्चन को यही समझना है। तो पहली सिचुएशन में सिर्फ जी लग रहा है, एयर का कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि इंटेंशन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है ना, तो ऑब्वियस बात है एयर के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे खींचने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जी की नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना हो गया, नेट एक्सेलरेशन दूसरे केस में कितना हो गया, 11g/10 हो जाएगा, और पहले केस में a1 की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी है। तो फ्लाइट टाइम को लेकर पहले तो इक्वेशन क्या है, फ्लाइट टाइम का क्या होता है, 2u sin θ/g। तो एंगल अगर सेम रखा जाए, थीटा सेम रखा जाए, यू अगर सेम, दोनों सिचुएशन में सेम रखें, तो फ्लाइट टाइम और जी के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो इसका ये मतलब है t1/t2 = g2/g1 होना चाहिए। ये g2 है और ये वाला g1 है, तो g2 की वैल्यू कितनी है, 11g/10 / g1 की वैल्यू है g, तो यह आएगा 11/10। यानी पहली सिचुएशन में फ्लाइट टाइम ज्यादा होगी, दूसरी सिचुएशन में फ्लाइट टाइम कम हो, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है, ऑब्वियस बात है, ग्रेटर देन 1 है ना, देखो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब जो फ्रैक्शनल चेंज होगा, डिक्रीज होगा, वो कितना होगा, परसेंटेज में बताना है। तो फ्रैक्शनल चेंज जो होगा परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, t1 - t2 / t1, क्योंकि ये इनिशियल है, t1 ही इनिशियल है, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो t1 - t2, t1 की वैल्यू अगर मैं t1 = ऐसे लिख दूं, 11/10 × t2 ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, करेक्ट है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, t2 = 10 t1 / 11 ये लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं हम t1 रहने देते, t2 की जगह हम 10 t1 / 11 कर देते हैं, divided by t1 × 100 कर लेते हैं, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, हमको आंसर भी परसेंटेज में चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 है, तो ये हो जाएगा t1 / 11 / t1 × 100। तो t1 से t1 कटा, 11 नीचे आएगा, 1/11 × 100। 100/11 कितना होगा, 100/11 ऑलमोस्ट 9% के आसपास आएगा, 9 point something आएगा, 9% ऑप्शन ज्यादा, तो फिर ये सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।